हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी का स्वागत है वैकेंसी गुरु पर। आप सभी को गुड इवनिंग। और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें, ठीक है। और आज हम जो लाइव लेकर आए हैं वो RCET के 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। तो सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने अपने साथियों को भी इसमें जोड़ते रहें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बिना वक्त गवाए अपने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे RCET एग्जाम से संबंधित है। और देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है। निम्न में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आंसर है, और कमेंट आप क्वेश्चन नंबर के साथ दें, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ गए हैं। पुष्पा इंडिया कह रही माई फर्स्ट क्लास इन वैकेंसी गुरु, वेलकम आपका, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे रेगुलर मिल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी तैयार हैं लाइव क्लास के लिए। निम्न में से कौन सी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लैन का उदाहरण प्रयोगशाला या एक विभाग में प्रिंटर साझा करना है। सही है, लैन व्यापक रूप से कंपनी के कार्यालय, कारखानों, विश्वविद्यालयों में संसाधनों में विनिमय या फिर पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन से जुड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये भी सही है। लैन छोटे आकार के नेटवर्क है जो कुछ इमारतों या कुछ किलोमीटर तक कैंपस को कवर करते हैं। और चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी भुगतान विधि, निम्न में से कौन सी भुगतान विधियां ऑनलाइन शॉपिंग साइट द्वारा मान्य है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अगर हम भुगतान करना चाहें, पैसा पे करना चाहें तो किसका हम इस्तेमाल करेंगे। सभी विद्यार्थी जितने जुड़ चुके हैं सभी से मेरा निवेदन है इसमें कमेंट करके अपना जवाब दें ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी, क्या है, क्या आप करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दें। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा डिलीवरी पर केस यानी कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर उपरोक्त सभी, क्या इसका सही जवाब रहेगा आप लोग बताएं फटाफट से जवाब दें। मैं कमेंट्स चेक कर रहा हूं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी विद्यार्थी लगभग सही जवाब दे रहे हैं। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। जिन विद्यार्थियों ने उपरोक्त सभी जवाब दिया है उन सभी का सही जवाब है, मतलब उपरोक्त सभी से हम ऑनलाइन जब कार्य करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनमें पेमेंट कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर वीडियो साफ नहीं आ रहा। भैया आप अपने जिन जिनको अपना जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा वो एक काम करें, अपने YouTube में अपना जो रेजुलेशन है उसका, उसको क्वालिटी को 340 पर या फिर 480 पर सेट कर ले, ताकि 360 या फिर 480 पर सेट कर ले ताकि आपको जो है सही दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, डेटा संचारित करने के लिए कांच के धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है। कौन सी ऐसी केबल है जिसमें डेटा संचारित करने के लिए कांच के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट से जवाब दें जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। और दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल केबल है। दूसरा है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर, उपरोक्त में से कोई नहीं, फटाफट से जवाब दें। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा इसका जो सही जवाब रहेगा वो आपके यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डेटा संचारित करने के लिए कांच के धागों का प्रयोग करते हैं। कांच के धागों का प्रयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल में किया जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का, सॉरी एमएस वर्ड में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एमएस वर्ड में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पृष्ठ की सामग्री के पीछे पाठ सम्मिलित करने के लिए, दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए, ठीक है, जो कि प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता हो, कंपनी का नाम या पृष्ठ संख्या उसमें होती है, एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिससे आप नाम या भविष्य में संदर्भ के लिए पहचानना चाहते हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे आप भविष्य में
एक संदर्भ के लिए पहचानना चाहते हो, कहीं उसका कोई रेफरेंस देना चाहते हो, उसके लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है? एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं टीम, मीटिंग, नेटवर्क और ग्रुप। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर हम एक साथ एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अभी किसी स्टूडेंट्स को अगर मोबाइल ऐप में, वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप में कोई दिक्कत आ रही हो, और अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, तो आप वहां पर व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन करें व्हाट्सएप। उसके बाद आप हमारी टीम से वहां पर व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहां पर हो जाएगा, जिस भी किसी विद्यार्थी को समस्या हो। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों का 31 जनवरी को एग्जाम था, उन सबको मैं एक बार जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से, उन लोगों को सबको दो प्रश्नों का बोनस मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, दो प्रश्नों का बोनस, जैसा कि वैकेंसी गुरु ने दावा किया था कि दो प्रश्न वीएमओयू ने गलत बताए हैं, और उनके लिए हमने वीएमओयू को मेल भी किया था। ठीक है, तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने उन दोनों प्रश्नों को डिलीट करके और दो प्रश्नों को बोनस दे दिया गया। इसका मतलब चार नंबर आपको फ्री में मिल गए हैं। ठीक है, ये वैकेंसी गुरु रेगुलर जो है वीएमओयू को मेल कर रही थी, टीम कंप्लीट कार्य कर रही थी, सबूत के साथ, बुक के स्क्रीनशॉट के साथ हमने उनको भेजा था, तो क्या हुआ, उनसे फायदा मिला है। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको यहाँ पर बताना है कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों, सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। यदि आपने भी यही सही जवाब दिया है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करें। आज इंटरनेट बैंकिंग खालिस्तान का उपयोग करता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक, एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेनदेन के और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर, मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल जो है आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपका लेनदेन सुरक्षित हो, इसके लिए जो बैंक या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आता है और जिसमें जो कोड प्राप्त होते हैं, उस कोड को क्या कहा जाता है? और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, उस कोड को वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। ठीक है, ओटीपी कहा जाता है, वन टाइम पासवर्ड इसका पूरा नाम होता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो आप जवाब देंगे पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकता है, दोनों मानना है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, दोनों। आगे हम चलते हैं, एसक्यूएल का पूरा रूप क्या है? SQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? SQL एक लैंग्वेज होती है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी कह रहे थे जब मैंने कहा था कि डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है, जबकि पेपर में कंट्रोल एम मानी गई थी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की आंसर की ने उसको कंट्रोल एम माना था, और हमने हमारी आंसर की में बताया था कंट्रोल प्लस डी, जो कि चार ऑप्शन में नहीं था। तो हमने पहले कह दिया था कि जो है ये क्वेश्चन है, इसका आपको बोनस मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर नहीं मिलेगा, वीएमओयू क्यों मानेगा, पर उन्होंने मान लिया है और बोनस मिल चुका है। आगे हम चलते हैं, आईपी पते का वैध उदाहरण कौन सा है? आईपी जो एड्रेस है उसका सही उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक आईपी एड्रेस है? और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, रेगुलर मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, प्रवीण जांगीड, पीराराम जांगीड, करण, ठीक है, बाकी काजल आदि ने सही जवाब दिया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, जिनमें संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं तो यहां पर भी है, पर ये फॉर्मेट गलत है। ठीक है, यहां पर संख्याएं देख रहे हैं, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस का उदाहरण है। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का सही उदाहरण है आपको ये बताना है? ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस, या फिर मदरबोर्ड, या प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, या फिर हार्ड डिस्क,
ड्राइव और पेन ड्राइव, इनमें से आपको बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हैं। दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं, जैसे कि माउस, टचपैड, ट्रैकबॉल, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थी जितने देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे और कमेंट जरूर करें, आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं कमेंट जो भी आपको आंसर आता है दें। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जो विंडोज 10 में नया लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने इसका जवाब कोर्टा ना दिया है तो आप सभी का सही जवाब है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, आप सभी के अगर सही आंसर हो रहे तो यहाँ पर कोर्टाना जो है सही जवाब रहेगा। कोर्टाना वॉइस पावर्ड एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो विंडोज 10 में लॉन्च हुआ है। आगे हम चलते हैं। एमएस पावरपॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली जाना चाहता है, तो निम्न में से किस शॉर्टकट की का वो प्रयोग करेगा। ऑप्शन आपके सामने, 4 पर स्टेप, 4 के साथ टेप दबाएगा, 4 के साथ कंट्रोल दबाएगा, 4 के साथ शिफ्ट दबाएगा, या फिर 4 के बाद एंटर बटन दबाएगा, ठीक है। चारों आपके सामने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी उपयोगकर्ता को डायरेक्टली 4 नंबर पर स्लाइड पर पहुंचना है तो वो 4 के साथ टेप बटन दबा सकता है और ये पहुंच जाएगा सीधा 4 नंबर स्लाइड पर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वक्तव्य 1 है। अब यहाँ पर वक्तव्य का क्वेश्चन है, वक्तव्य का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एग्जाम में भी वक्तव्य का कम से कम एक प्रश्न आएगा, आप ध्यान से समझना। और वक्तव्य का जवाब कैसे देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होकर जवाब गलत दे देते हैं, कैसे जवाब देना है समझ लीजिए। वक्तव्य 1 है, वोलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। देखो मैं आपको बता दूं, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी मेमोरी जो बिजली बंद होने पर डेटा को नष्ट कर देती हो, वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब यहां पर कहा गया कि बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित रखती है, ये वोलेटाइल नहीं होती, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यानी पहला गलत, पहला वक्तव्य गलत है। दूसरा, CDR ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, वक्तव्य 2 सही है। यानी CDR जो है ये ऑप्टिकल डिस्क ही होता है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, R यानी रीडेबल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क, ठीक है। तो वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही कौन से ऑप्शन में है आपके सामने है, और सही लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन डी, वक्तव्य पहला गलत वक्तव्य दूसरा सही। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे हम चलते हैं। खालिस्तान एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने के अलावा क्या कर सकता है, वह ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से व्याख्यान को पेश कर सकता है। यानी कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत एक टीचर जो है अपने बच्चों को अधिक गतिशील तरीके से समझा सकता है ब्लैक बोर्ड के बजाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझाना है विद्यार्थियों को तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो अच्छे तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर HTTP का प्रयोग करके और HTTP को सुरक्षित रूप से प्रयोग करना है, तो इसका सही जवाब रहेगा HTTPS। HTTPS का तात्पर्य होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है 15वें में, उन सभी का सही आंसर है, मतलब आपकी रेगुलर अच्छी तैयारी चल रही है। और एक और जानकारी मैं आपको, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी तैयारी अभी तक जीरो है, जिन्होंने आज से ही तैयारी स्टार्ट की है या फिर एक दो दिन पहले से तैयारी स्टार्ट की है, और जो ऐसे सोच रहे हैं कि सर हमारी तो तैयारी नहीं, हम कैसे पास होंगे। तो देखो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपकी तैयारी की पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी है, हम करवाएंगे, वैकेंसी ग्रुप जो है टीम करवाएगी, आप बिल्कुल रेगुलर बने रहें। बस आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप सारे वीडियोज को देख लें, सभी लाइव क्लासेज ले लें। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, बढ़िया परसेंटेज बनाना चाहते हो, तो वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स खरीद लें, जिससे आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमारा। व्हाट्सएप में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वही वहां पर प्राप्त होते हैं जो कि एग्जाम में सेम मिल सकते हैं, तो आप लोग वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से जुड़ सकते हो।
इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। दोस्तों वक्तव्य का क्वेश्चन आ गया, इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, गलत। दूसरा है इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, यह भी गलत। मतलब उल्टा ये पूछ रहा है यहाँ पर, अगर हम डेफिनेशन इनकी देखें तो दोनों की उल्टी हो गई। इंटरनेट तो एक वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, और इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है, ठीक है, तो दोनों ही गलत है। और वक्तव्य एक भी गलत, वक्तव्य दो भी गलत। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों को गलत बताया, यानी ऑप्शन सी जवाब दिया है, उन सबका सही जवाब है, आप बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। आगे हम चलते हैं, वाई मैक्स का पूरा नाम क्या होता है, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। वाईफाई मैक्सिमम, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, या फिर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। मित्रों मैं आप सभी को जवाब देना चाहूंगा इसका, अगर आप लोगों ने 17वें में बी जवाब दिया है इसका मतलब आप सभी का सही जवाब है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर कमेंट्स में रेगुलर बहुत सही सही आप लोग जवाब देते जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ये इसका पूरा नाम होता है वाई मैक्स का, ठीक है, और ये इंटरनेट वायरलेस तरीके से प्रदान करवाता है। होता क्या है ये भी समझ लीजिए, आप लोगों ने बहुत सारी जगह फ्री वाईफाई देखा होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, बहुत सारी जगह हम फ्री में वाईफाई बहुत सारे लोग बैठकर चलाते रहते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, वहां पर जो है कैसे वाई मैक्स से ही वहां पर क्या मिलता है, नेटवर्क प्रदान किया जाता है। आगे हम चलते हैं, उच्चतम व विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है, उच्चतम और विश्वसनीय जो है नेटवर्क की टोपोलॉजी कौन सी है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग और बस, आप सभी को जवाब देना है कि इनमें से कौन सी नेटवर्क की बेस्ट टोपोलॉजी है। मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो नेटवर्क की टोपोलॉजी बेस्ट है वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, अब नेटवर्किंग की तो आपको जैसे थ्योरिकल तो ये मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैश टोपोलॉजी में अगर एक साइड से नेटवर्क कनेक्शन टूट भी जाता है तो इसमें दूसरे साइड से भी दोहरी नेटवर्किंग प्रणाली होती है जिसमें दो वायर से नेटवर्क प्रदान होता है। मतलब एक वायर टूट भी जाए तो दूसरे वायर से नेटवर्क इसमें आ जाता है, बाकी सब में सिंगल सिंगल होता है, जैसे कि आप नीचे वाले देख रहे हैं इन तीनों में, और इसमें डबल होता है नेटवर्क में, तो यहाँ पर दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिलती है, तो यहाँ पर जो ये उच्चतम और विश्वसनीय होती है नेटवर्क जाने का खतरा कम रहता है। MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक सही सेल एड्रेस है। AZ145, ठीक है, 19वें क्वेश्चन में अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी है इसका मतलब आपने सही जवाब दिया है, AZ145 इसका सही आंसर है। मतलब पहले इसमें कॉलम का नाम आ रहा है, बाद में रो का नाम आ रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MS Excel में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MS Excel में एक वर्कबुक किन के संयोजन से बनती है, किस किस से मिलकर एक जो है वर्कबुक बनती है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक जो होती है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों से मिलकर बनती है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न ओनली इतना सा है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है, इतना बड़ा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, ऑप्शंस हैं ओनली टाइम पासवर्ड, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पासवर्ड, या फिर ओनली टाइम पासवर्ड, आपको जवाब देना है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओटीपी की शुरुआत सन 2008 में अमेरिका में हुई थी, ठीक है, और ये जो फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम जो होता है, जो कि आर्थिक रूप से साइबर क्राइम होता है, उसको रोकने के लिए मोस्टली बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्य उपयोग क्या, मतलब एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है, एमएस आउटलुक क्या काम में आता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, गलत है, ड्राइंग के लिए तो हम पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इसका उपयोग गणना करने के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि गणना करने के लिए हम जो है एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, दोस्तों ये इसका सही जवाब है, ईमेल के लिए हम आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ऑप्शन सी अगर आपने सही जवाब दिया है इसका मतलब आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। और अगर ब्राउजिंग एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, ये तो एक ब्राउजर होता है जो इंटरनेट चलाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का व्यक्तिगत यानी पर्सनल ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि ईमेल डाउनलोड करने के लिए कौन सा ईमेल खाता प्रयोग में लिया जाता है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है इसका। मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हमें ईमेल
डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम POP3 ईमेल खाते का इस्तेमाल करेंगे। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचेंगे सर POP का पूरा नाम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नहीं, ये साइंस में नहीं पूछ रहा है, ये कंप्यूटर साइंस में पूछा जा रहा है और कंप्यूटर में भी ये पूछ रहा है व्यक्तिगत सहायक में यानी कि आउटलुक के अंदर। डाउनलोड पर्सनल ईमेल अगर कोई है उसको डाउनलोड करने के लिए हम POP3 का खाते का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। और HTTP होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है MS PowerPoint 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। MS PowerPoint 2010 में एनिमेशन फलक का क्या कार्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मित्रों ऑप्शंस हैं, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, नहीं गलत है, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, ये सही है। तीसरा है आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी आप स्लाइड पर आपने कौन कौन से एनिमेशन लागू कर दिए उनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो आप MS PowerPoint में एनिमेशन फलक का इस्तेमाल करेंगे, एनिमेशन पैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के एनिमेशन को प्रदर्शित करता है। अब एक और मेरा प्रश्न आप लोगों से है, PowerPoint में कितने प्रकार के एनिमेशन होते हैं, कमेंट करके जवाब दे। मैं सबसे पहले जो नाम लेगा उसका जो है जवाब देगा उसका नाम बताता हूँ आप लोगों को और फटाफट से बताएं MS PowerPoint में कितने प्रकार के एनिमेशन होते हैं, ये कमेंट करके जवाब दें आप सभी जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। और वेरी गुड, सबसे पहला जवाब आया शीला शर्मा का और पूनम चंद पारगी, वेरी गुड। उसके बाद जवाब आया रितु फौजदार का, फिर अमन का, वेरी गुड, राजेंद्र, सोनिया, ईश्वर, मायरा, सुनीता और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने, दयानंद, रीता, लक्ष्मी, सुनीता, पूजा पवार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके अलावा जवाब दिया है। मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मोस्टली जवाब सही आए हैं। पावर पॉइंट में चार प्रकार के एनिमेशन होते हैं, नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, नाम क्या क्या है एनिमेशन के। एंट्रेंस इफेक्ट होता है एनिमेशन का, एग्जिट इफेक्ट होता है, एम्पेसिस होता है और मोशन पाथ होता है। ऐसे करके चार प्रकार के एनिमेशन होते हैं, एंट्रेंस, एग्जिट, मोशन पाथ और एम्पेसिस, ठीक है, चार प्रकार के एनिमेशन होते हैं। अगला प्रश्न है किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आमतौर पर PDF फाइल के रूप को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी PDF फाइल अगर आपको देखनी है तो आप कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपसे, तो आप लोगों को जवाब देना है। मित्रों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का नहीं करते, ये तो एक ईमेल एप्लीकेशन है। फायरवॉल का नहीं करते, ये हमारे कंप्यूटर को बाहरी एक्सेस से बचाता है, बाहरी खतरों से बचाने का कार्य करता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होता, वो भी फायरवॉल ही होता है ओनली। तो तीसरा इसका जवाब ऑप्शन सी सही है, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी जवाब दिया उनका राइट आंसर है यानी एडोब रीडर इसका सही जवाब है, ठीक है, एडोब रीडर का हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया, आपसे पूछा जा रहा है, मान लो आप पावर पॉइंट में काम कर रहे थे और गलती से आपने किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया तो आप खालिस्तान को दबाकर उस जो है फाइल को, डिलीट की गई फाइल को वापस ले सकते हैं यानी अंडू कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, एक्चुअल में यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है। और मित्रों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी का सही जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छी आप लोगों की तैयारी है और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों के 80% से ज़्यादा बने तो मुझे भी अच्छा फील होता है। और जब हम आंसर की पे कमेंट्स पढ़ते हैं तो मैं रेगुलरली बहुत सारे कमेंट्स को, आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, जब भी मैं फ्री रहता हूं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो वहां पर मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की अच्छी अच्छी परसेंटेज देख के। और यहाँ पर जो है अंडू करने की शॉर्टकट की पूछी गई है तो वो है Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z अंडू करने की शॉर्टकट की होती है। आप लोग सभी जैसे वीडियो देखें, वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी हो तो आप फीडबैक दे दिया कीजिए ताकि हम सुधार कर लें। और अगर आपका कोई भी फीडबैक स्टूडेंट्स के लिए हो, दूसरे बच्चों के लिए, तो आप कमेंट जरूर जो करें ताकि दूसरे बच्चे अगर कमेंट पढ़े तो उनको जो है पता लगे कि हाँ एक्चुअल में आपको यहाँ पर पढ़कर कैसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर अच्छी कमेंट होती है तो हम उसको पिन भी करते हैं आपकी। MS Excel 2010 टूल है, यानी खालिस्तान MS Excel 2010 में टूल है जो किसी अज्ञात मान का पता करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना इसको। ये पूछ रहा है कि MS Excel में अज्ञात वैल्यू का पता कौन लगा सकता है, यानी किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, बुलियन ऑपरेटर, मेल मर्ज, गोल सीक और बुकमार्क। और मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अज्ञात मान का पता लगाने के लिए तो आप बताएंगे गोल सीक, या फिर पूछा जाए कि वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए तो भी आप जवाब यहां पर देंगे गोल सीक।
आगे हम चलते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो विभाजक द्वारा विभाजित संख्या यानी भाग जब हम देते हैं डिवाइड हम किसी को करते हैं तो डिवाइड जो संख्या होती है उसको भाग देने के बाद भी उसमें जो शेष राशि बचती है उसको प्रदर्शित करता है। यानी आप जब भाग देते हैं किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का तो भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो शेषफल कौन सा फंक्शन लगाया जाता है शेषफल के लिए। तो मित्रों मैं देख पा रहा हूँ सभी का लगभग सही जवाब है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी डिवाइड भी जवाब दे रहे हैं जबकि ये गलत जवाब है मित्रों। इसका सही जवाब है मोड बराबर MOD ब्रैकेट ओपन उसके बाद हम अपना जो डिवाइजर है उसका या डिवाइजर चूज करेंगे उसके बाद जिसका भाग देना है वो चूज करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन के एंटर करेंगे इससे हमारा मोड यानी शेषफल निकल जाएगा। आगे हम चलते हैं। खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी इंटरनेट पर अगर आपको यातायात का निर्देशन करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर हमें इंटरनेट पर यातायात निर्देशन करना है तो हम राउटर का इस्तेमाल करेंगे। राउटर इसका सही जवाब है। जिन विद्यार्थियों को अभी भी कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा और परेशानी आ रही है उन मित्रों को मैं आप कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी क्वालिटी जाकर 340 पर सेट कर ले। YouTube में ऑप्शन होता है वहां से आप सेट कर ले सबको साफ दिखाई देगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। MS Word 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह में होती है विकल्प में मौजूद नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पावर MS Word के अंदर पेज लेआउट में नहीं होता ये आपको बताना है। दोस्तों ओरिएंटेशन MS Word के पेज लेआउट टैब में होता है इसका मतलब ये सही जवाब है। और ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये तो होता है तो यानी ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे हम चलते हैं। इंडेंट विकल्प का उपयोग कर हम कुछ दूरी तक पैराग्राफ को दाएं बाएं तरफ ले जा सकते हैं ये भी सही है ये भी पावरपॉइंट में सॉरी MS Word में पेज लेआउट के अंदर होता है। टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना ये नहीं होता MS Word के अंदर ये ऑप्शन पेज लेआउट में नहीं होता ये होता है इंसर्ट में तो ये इसका सही जवाब रह जाएगा। बाकी पृष्ठ में सामग्री में पीछे भूतित यानी कि वाटरमार्क डालना ये भी होता है तो जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है इसके अलावा इंडेंट होता है इसके अलावा आपका वाटरमार्क होता है ठीक है। क्या नहीं होता टेबल नहीं होता टेबल होता कहाँ है इंसर्ट टेब में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके सामने। मॉनिटर के रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं मॉनिटर का रेजुलेशन क्या होता है आपको ये जवाब देना है। मित्रों मॉनिटर में रेजुलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर में उपलब्ध छोटे छोटे डॉट्स जिनसे एक स्क्रीन का निर्माण होता है उसे रेजुलेशन कहा जाता है ठीक है। रेजुलेशन जो कि पिक्सल्स में मापा जाता है ठीक है। आपसे पूछा जाए कि रेजुलेशन स्पष्टता भी होती है या फिर उन पिक्सल्स को मापने की एक इकाई है। आगे हम चलते हैं। इसका सही जवाब है पिक्सल्स की अधिकतम संख्या है रेजुलेशन जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से जितने डॉट्स को जितने पिक्सल्स को मॉनिटर प्रदर्शित करता है उन्हें ही रेजुलेशन मॉनिटर का कहा जाता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आप MS Windows 10 में निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त करने के लिए कौन से जो है ऑप्शन का प्रयोग करेंगे बताएं। आप MS Windows 10 में निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम्स प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं फटाफट से रेगुलर जवाब देते रहिए। और सबसे पहला इसका जवाब आ गया 31 का पूनम चंद पारगी का पूजा गुजर का पंकज का राजेंद्र मोनू दिनेश और भी बहुत सारे विद्यार्थी जितने मित्र देख रहे हैं आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जितने विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम की तरफ से। और आप सभी को ये जिन जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया है विंडोज स्टोर से उन सभी का सही जवाब है इसका सही जवाब रहेगा विंडोज स्टोर। विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन एक प्लेस है जिसे विंडोज स्टोर कहते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे सेम पूछा जाए कि एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल फोन है उसमें आप निशुल्क रूप से कहां से गेम और मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर आप जवाब देंगे गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपका जवाब रहेगा गूगल प्ले स्टोर इसमें आपका जवाब रहेगा विंडोज स्टोर से ठीक है। आगे चलते हैं। VGA कार्ड क्या है मित्रों। VGA कार्ड के बारे में आपको बताना है मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पर VGA कार्ड होता है ग्राफिक्स अडेप्टर कार्ड ठीक है। ग्राफिक्स अडेप्टर कार्ड को VGA कार्ड कहते हैं या फिर VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी ने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी सबका सही आंसर है।
आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से क्या सही है? 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट होता है, 1 MB में 2048 बाइट होता है, 1 KB में 1024 बाइट होता है, या फिर 1 KB में 1000 बाइट होता है। मित्रों लास्ट टाइम एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम ऑप्शंस भी आए थे, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि सर शायद पेपर बनाने वाले ने वैकेंसी गुरु का वीडियो देख लिया होगा तो उसने यहाँ से पेपर बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर की जितनी वोकैबुलरी है और उसमें जितने प्रश्न हैं लगभग हमारी टीम उन सभी प्रश्नों को कवर कर चुकी है और उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट चुकी है, तो इनके अलावा वो प्रश्न बना ही नहीं सकते। कहाँ से बनाएंगे आप समझ सकते हैं, सारे प्रश्न हमने उठा लिए हैं इंपॉर्टेंट, तो अगर कोई प्रश्न आएगा तो उन्हीं में से आएगा, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। KB का पूरा नाम होता है किलोबाइट, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम चलते हैं FAT, FAT का पूरा नाम क्या है? मित्रों FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल FAT का पूरा नाम होता है, फेट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। अगर आपसे पूछ ले जाए कि NTFS का पूरा नाम क्या होता है, NTFS फुल फॉर्म ऑफ NTFS, तो मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न है एक कीबोर्ड में, ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कीबोर्ड पर वे बटन जिनमें F1 से F12 तक लिखा होता है उन बटनों को फंक्शन कीज कहते हैं और इनकी संख्या टोटल 12 होती है। अब जितने भी मेरे जो है विद्यार्थी मित्र हैं उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए व्यूवर है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। आपका जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे यहाँ पर नाम आ जाता है ताकि पता लग जाता है कि किसने यहाँ पर सब्सक्राइब लास्ट टाइम किया है। जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शाहरुख खान ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। तो मित्रों हमने 35 प्रश्न आज के लाइव क्लास में पढ़े, डेली आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अगर आप डेली लाइव लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी तैयारी के लिए बढ़िया परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अभी और उसमें तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स आप खरीद सकते हैं, कोर्स जो है वो 99 रुपीज का है, पर आप VG50 कोड लगाएंगे तो आपको वो कोड जो है कोड के माध्यम से केवल 49 रुपये में मिल जाएगा। तो आप सभी फटाफट से तैयार करके जो है वहां से तैयारी करके एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए, और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप में जुड़ सकते हैं और उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हंस रहे हैं कि शाहरुख खान ने सब्सक्राइब किया, भैया शाहरुख खान वो वाले नहीं है, और भी शाहरुख खान हो सकते हैं, बहुत सारे जो है शाहरुख खान है। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, आप सभी जितने दोस्त देख रहे हैं सभी को बाय गुड नाइट आज के लिए, और बहुत अच्छी बात है आप सभी जुड़ते हो हमसे, और सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, गुड बाय।